हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने अपना वीडियो आज सुबह से ही शुरू कर दिया है। ये इस बरामदे वाली दीवार पर लगे हुए हैं। पता नहीं इनको क्या सूझा कि भाई इस दीवार को, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार जो पपड़ी सी थी वो उठी उठी हो रही थी, पुताई हट रही थी, तो इनको लगा कि इस पर मैं पुट्टी करा देता हूँ। मैंने मना भी किया इस पर क्यों कराना जब हम अंदर कहीं भी नहीं करा रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि नहीं पुट्टी बच रही है, क्या होगा, ये दीवार बेकार हो रही है, इस पर वैसे तो ये दीवार ज़्यादा नहीं है। तो अब इन्होंने पुट्टी कराई है तो मैं इनको बोल रही हूँ कि अब इस पर वाइट पेंट भी कराओ, क्योंकि फिर ये दीवार पूरी एक हो जाएगी, पुट्टी बीच बीच में दिखेगी, मुझे लगता है कि पहले से भी ज़्यादा भद्दी हो जाएगी। तो अब देखते हैं ये मेरी बात मानते हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना इंसान जो है मानता नहीं है, मतलब पति लोग मानते नहीं है, अपनी जिद पे अड़ जाते हैं। तो आज जो है काम अंदर की साइड हो रहा है, जो चैनल है, जो दरवाज़ा है, ये जाली वाला लगवाया था तो इस पे हो रहा है, तो अंदर की साइड काम है, जिसकी वजह से मेरा सुबह का सारा काम जो है रुका पड़ा है। तो ये इधर लगे हुए हैं भैया लोग, जो है बरामदे में चैनल वगैरह के पास लगे हुए हैं। बच्चे दोनों अंदर हैं, गुड्डू पढ़ रही है, तन्मय अपना मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। तो मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे सब्जी बनानी है आलू गोभी की। तो यहाँ पे मैंने गोभी के लिए पानी गर्म होने के लिए रखा है, जब पानी में उबाल आ जाएगा मैं बंद करके इसमें गोभी डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक भी डालूंगी पानी में मैं गर्म करते वक्त। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे ये जो फ्राई पैन लिया है स्टील का, ये चढ़ा दिया है गैस पे, तो देखते हैं इसमें सब्जी कैसी बनती है। तो थोड़ा सा तेल डाल दिया है, इसके बाद जब जैसे ही तेल गर्म होगा मैं जैसे बनाती हूँ हींग जीरा डालती ही हूँ, तो हींग जीरा डाल दूंगी इसमें। नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज तो मैं नहीं लूँगी, गोभी की सब्जी हो या सूखी सब्जी हो उसे मैं सिर्फ प्याज से ही छोंकती हूँ, टमाटर बहुत ही कम डालती हूँ। तो आज प्याज तो मैं नवरात्रों की वजह से नहीं डाल रही हूँ और टमाटर मैं डालूंगी ही नहीं। तो बस अब मैं इसी टाइम इसमें डाल दूंगी सूखे मसाले, गैस मैंने बंद कर दी थी हींग जीरा डालने से पहले ही, और मसाले भी इसी वक्त डाल दूंगी, मसाले जलेंगे भी नहीं क्योंकि गैस बंद है। अगर फिर भी आपको डर लगता है मसाले इस तरीके से डालने में, जलने का डर रहता है, तो आप उनको पानी में डालकर डाल सकते हो, जैसे कटोरी में आप जो भी नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर जो भी आप डालते हैं वो एक कटोरी में ले लें, उसमें 2 चम्मच पानी डाल के मसालों को मिक्स करके फिर आप तड़के में डाल दें, फिर वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो मसालों में मैंने डाल दिया है सब्जी जो काट के रखी हुई है, आलू और गोभी, और उनको मैं मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर ये हुआ था कि मुझे आलू कम लग रहे थे, बच्चे दोनों आलू आलू ही मांगते हैं, तो मैंने एक आलू और छोटा सा इसमें काट के मिक्स कर दिया था मसालों में, मतलब सब्जी के साथ मिक्स कर दिया था। और धनिया पाउडर में डालना भूल गई थी तो उसको मैंने बाद में डाला, और थोड़ा सा जो है कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो स्टील के बर्तन में, जैसे कि मैं पहली बार सब्जी बना रही हूँ, मैंने आज तक नहीं बनाई है स्टील के बर्तन में, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं लेना चाह रही थी कि कैसा रहता है, फिर आगे मैं तभी बनाऊँ। तो ये देखिए मैंने सब्जी रखी, उसके 5 मिनट बाद सब्जी को मैंने चेक किया, जैसा कि मैं दूसरे बर्तन में बनाती हूँ तब करती हूँ, तो मैंने देखा कि मेरा जो जैसा मुझे लग रहा था, खाई तो मैंने सब्जी नहीं थी लेकिन मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और पानी भी इतनी जल्दी सूख गया जबकि आलू भी नहीं गले थे, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा अटपटी लग रही थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, जो कि आज तक मैंने कभी सूखी सब्जी में पानी नहीं डाला, लेकिन स्टील के बर्तन में बनाते वक्त मुझे 2 बार पानी डालना पड़ा जब जाकर आलू गले, और वो भी वो सब्जी नहीं बनी देखने में जैसी मेरी हमेशा बनती है। तो मैं आगे से स्टील के बर्तन में सूखी सब्जी वही बनाऊंगी जो गल जाती है, जो पानी छोड़ती है, इस तरह की सब्जी मैं आगे से इसमें नहीं बनाने वाली हूँ, आलू गोभी हो या आलू बैंगन हो या आलू शिमला, जैसे शिमला मिर्च तो जल्दी गल जाती है लेकिन आलू को टाइम लगता है गलने में, तो मैं आलू वाली इसमें सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ आगे। तो मेरा जो स्टील के बर्तन को लेकर एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, या ये कह सकते हैं कि पहली बार था तो इस वजह से हुआ ना, मैंने उसे यहाँ रखने के लिए कहा, जितना यूं पलट गया गिलास, इसी बात पे मुझे गुस्सा आता है। चप्पल कहाँ है आपकी? मैं आप लोगों से वीडियो शुरू करने के बाद से आप मिल रही हूँ, और अभी 5:30 का टाइम होगा, नहीं 5:17 हो रहे हैं, मैंने अंदाजा मारा था टाइम का, क्योंकि थोड़ी देर पहले 5 बज रहे थे, मुझे लगा कि शायद बहुत देर हो गई है तो आधा घंटा निकल गया होगा। तो मैंने बोला था कल के वीडियो में कि अगर आप लोग बाहर से घर देखना चाहते हैं, मतलब जो हमारे घर का पिछला हिस्सा है वो देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं बाहर का वीडियो। मेरी आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है,
मेरा मन अजीब सा हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो शुरू तो कर लिया था लेकिन उसको मेरा मन नहीं था कंटिन्यू करने का। फिर अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ने बैठी हूँ सबके, तो मैंने जब कमेंट पढ़े तो मेरा मन कर गया कि चलो जब वीडियो शुरू कर लिया है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। वरना मैंने सोचा था कि उसको मैं डिलीट कर दूंगी, जितनी भी मैंने क्लिक्स ली मतलब जो भी अभी तक वीडियो के क्लिप बनाए हैं उनको डिलीट कर दूंगी, कल एक नया वीडियो शुरू करूंगी। आज थोड़ा सा मेरे को सर में दर्द है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं, और मेरी कमर में भी दर्द है। कमर में दर्द मुझे इसलिए रहता है क्योंकि जो गुड्डू है वो ऑपरेशन से हुई है, और जब ऑपरेशन होता है तो वो एक इंजेक्शन लगता है जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता है। पहले नहीं होता था, अभी 2-3 सालों से होने लगा है। तो मैं आप लोगों को बाहर से दिखाऊंगी उधर की साइड से, और उसके बाद में बरामदे में जो लाइट वगैरह लग रही है आज जो बाहर लग रही है वो भी दिखाऊंगी, अगर लग गई तो बाहर वाली। फिलहाल तो जो बरामदे में जो चार लग रही थी ऊपर की साइड, इधर आपने देखा होगा बाहर, तो वो हम चेंज करा रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ बाहर से मैं आपको। जिन लाइट्स की मैं आपसे बात कर रही थी वो ये वाली लाइट है। पहले यहाँ पे लाल, हरी और एक नीली और एक सफेद लाइट थी, इस बार हमने ये सफेद ही रखाई है क्योंकि मुझे सफेद लाइट की जो है जरूरत पड़ती है अपने वीडियोस के चक्कर में। तो मैंने कहा नहीं, दूसरे कलर की मत लाना, वाइट कलर की ही लाना। तो बाहर भी लाइट लग रही है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको बाहर की साइड से घर दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं आपको इत्मीनान से जब घर बिल्कुल साफ हो जाएगा, सारी सेटिंग्स हो जाएगी, तब मैं आपको एक बार से पूरा होम टूर कराऊंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। फिलहाल मैं आपको जो थोड़ा सा मैंने बोला था मैं वो दिखा देती हूँ। तो ये दूसरा दरवाजा है अंदर का, जो इस पे पेंट होके बाहर रख दिया है, और बाहर वाले गेट पे भी जो है पेंट हो रहा है। तो बाहर से कुछ इस तरीके से है, और बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो वाइट, रेड और ब्लैक का हुआ है, जैसे ग्रिल है वो हो गई है ब्लैक, जो ये खपरेल है या ये ऊपर का हिस्सा है ये रेड सा हो गया है, और ये जो है वाइट हो गया है। और ये हमारी खिड़कियां हैं बाहर, एक उस कमरे की है, दो जो डाइनिंग वाला कमरा है ये उस कमरे की है। तो थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ आपको, और ये जो आपको दिख रहा है बीच में गोल गोल सा वो मोखला, ये इधर की साइड हमारा बाथरूम पड़ता है। तो ये वाली दीवार है, ये वाला कमरा वो है जहाँ टीवी वगैरह रहता है। तो ये है बाहर से घर, मैंने आप लोगों को बोला था और दिखा भी दिया। तो आप लोगों को अब कैसा लगा बाहर से ये आपका काम है, अब आप लोग बताइएगा। तो बाहर जो लाइट लगी है जो इस डब्बे में थी, मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाई थी। तो यहाँ तन्मय और गुड्डू ने जो है पूरा गंद मचा दिया है, उसमें जो भी उन्होंने डाल के पैक की हुई थी लाइट, जिससे लाइट थोड़ा सेफ रहती है, इधर उधर हिलती है तो कांच ना टूटे, उसकी वजह से उन्होंने उसके अंदर ये सब भरा हुआ था। तो ये क्या किया इन दोनों ने, सारा निकाल दिया, इससे खेल रहे थे इधर उधर, मतलब पूरा जितना गंद मचा सकते हैं बच्चे, जितनी बदतमीजी कर सकते हैं दूसरे के सामने। क्योंकि घर पर जब हमारे पास कोई घर में लगा हुआ है, काम हो रहा है, तो हम बच्चों को नहीं ज़्यादा डांट मार सकते, अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से फिर बच्चे क्या करते हैं कि हम उनको प्यार से बोलते रहते हैं मत करो मत करो, लेकिन बच्चों को लगता है नहीं यही तो टाइम है सबसे ज़्यादा बदतमीजी करने का, क्योंकि मम्मी अब कुछ भी नहीं कह रही है। तो दोनों जनों ने जो है खूब मिलके अपनी बदतमीजी करी। तो लाइट से जो कूड़ा हुआ है वो तो दिखा दिया है, अब लाइट्स भी दिखा देती हूँ। दोनों लाइट लग चुकी हैं और बहुत अच्छी लग रही है। मुझे नहीं लग रहा था कि ये आज लग पाएंगी, क्योंकि जो भैया लगाने आए थे वो कह रहे थे मैं चेक कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम से तार डाला हुआ है, इसमें बारिश का पानी भी गया है, तो क्या पता ये जले ना जले, तार काम करे ना करे। तो काम कर दिया है तार। तो खाना पीना सब हो चुका है हम लोगों का, और मैंने यहाँ पे ना चने निकाल के रख दिए हैं, कल कन्या पूजन है, कंज के जिमाते हैं उसके लिए। और मेरा जो मन है वो ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों क्या हुआ है ऐसा मेरे मन को, ये मुझे खुद नहीं पता। आज ये संतरे लाए थे तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में हो रही, मतलब पूरी रसोई में हो रही है। तो सारे में लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट जलाई हुई है। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:05 है इस वाली घड़ी में, गीला हो रहा है, गीला हो रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं अपना घर दिखाओ एक बार दोबारा से, एक बार तो मैं होम टूर करा चुकी हूँ जो दिवाली वाले दिन कराया था मैंने, तो अभी गंदा हो रहा है घर में, कैसे दिखाऊं, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा रही हूँ। बाकी आप लोग रोज ही देखते हैं इस तरीके से है, ये चैनल है, ये गैलरी है, फिर कमरे हैं, बाहर ये एरिया है इस तरीके से। तो ये चैनल गीला है, वैसे बंद करना पड़ेगा अखबार वगैरह लेकर,
तो ये ब्लैक कलर करा दिया है। पहले कैसा कलर था? कॉफी सा, ब्राउन सा। और ये जो गेट है ना, ये वाला, ये इस पे भी वाइट, इस पे हम वाइट कलर करा रहे हैं। पहले इस पे कोई कलर नहीं था, ये प्राइमर लगा हुआ था पहले इस पे, तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। अभी तो एक ही कोट हुआ है, दो कोट नहीं, इसके लिए तो दूसरा पेंट आएगा। ये तो इन्होंने वो वाला कर दिया ना, इसपे आपने किया ये शुरुआत, तो भैया बता रहे थे सुबह सुबह ब्रश लेके इन्होंने कारस्तानी करनी शुरू की। जल गई रेलो नहीं, येलो। और ये खिड़की भी उतर रखी है अभी, क्योंकि इस पे ब्लैक, ये खिड़की बाहर वाले एरिया में ही आती है, तो इसको भी ब्लैक ही कराना है। अंदर का कुछ नहीं होगा, खिड़की दरवाजा। बाय 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 बाय। किसको फोन करूं? डॉक्टर का फोन करूं? क्यों? डॉक्टर का नंबर है। क्या? डॉक्टर का नंबर। डॉक्टर का नंबर तो है, पर डॉक्टर को फोन किस लिए करूं? मेरे को चोट ठीक करने के लिए। कहाँ लगी है चोट आपको? डॉक्टर को फोन करके बुलाऊं घर पे? डॉक्टर के पास ही चल लेंगे सुबह? आज ही बुला दो। क्यों, आज क्यों? आज ही ठीक रहेगा। क्यों, आज क्यों ठीक रहेगा? आईस, अब तो रात हो रही है ना, पापा सो गए, गुड्डू भी सो गई, तो कल चल लेंगे डॉक्टर के यहाँ। तब तक सो जाओ आप, 12 बज गए। 12? हाँ, रात के 3 बजे हैं आज। रात के 3 नहीं, रात के 12 बजे हैं अभी तो। भूत आने वाला है। मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही है ना मम्मी, मैं तो अपने में डर गया था। क्यों? मैंने बुरा सपना देखा कल रात, मेरे घर में गुड्डू ने ना एक खड्डी वाला भूत को छोटा बना के जोड़ दिया उसका मुंह, फिर और फिर वो अपने लंबे लंबे हाथों से मेरे को मेरे हाथ पकड़ रहा था। ओफो। और फिर मैं रोता, मैं रो रहा था। आप ये ना कार्टून देखने बंद कर दो। क्यों? उसी में जो होता है ना वही दिखता है सपनों में आपको। ये कल आप वो कार्टून में देख रहे थे, मुझे किचन में आवाजें आ रही थी, और वही स्टोरी आप मुझे बता रहे हो अभी, है ना? है ना? तो कार्टून मत देखा करो आप।